हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले सीएनसी मशीन, वीएमसी मशीन, एचएमसी मशीन और डीएनसी मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले सीएनसी मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है डीवीटी सीबीटी 2 का। तो उसमें सीएनसी मशीन के ऊपर जो है कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कम से कम 3 क्वेश्चन जो है सीएनसी मशीन के ऊपर उन्होंने रिजर्व रखा है। तो सीएनसी मशीन के ऊपर अभी हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है कि सीएनसी मशीन जो होती है, सीएनसी मशीन क्या है और सीएनसी मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीएनसी मशीन का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, होता है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब ये है कि कंप्यूटर और नंबर के माध्यम से जिस मशीन को चलाया जाता है उसको सीएनसी मशीन बोला जाता है। तो सीएनसी मशीन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। तो इसको जो कंप्यूटर और नंबरिंग कोड के माध्यम से चला जाता है, इसके लिए इसको सीएनसी मशीन बोला जाता है। तो सीएनसी मशीन को कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के नाम से जाना जाता है। इसे कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर में जॉब के अनुसार प्रोग्राम बनाकर डाला जाता है और प्रोग्राम के अनुसार सीएनसी मशीन जॉब को फाइनल रूप देता है। तो प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम होता है जो इसे कोई आपको एक जॉब बनाना है, उस जॉब के लिए एक आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम मतलब उस जॉब को शेप कैसे देना है, उस शेप के लिए जो आपका ये रहेगा नंबर और ब्लॉक का कोडिंग, उसको प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो सीएनसी मशीन, इसका जो सीएनसी मशीन का जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है, उसकी कीमत क्या होती है और सीएनसी मशीन किस टाइप से वर्क करती है और किस ये यूज की जाती है, ये सब इन्फॉर्मेशन हम इस मशीन में, इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके सीएनसी मशीन का जो उगम हुआ है वो एनसी मशीन से हुआ है। एनसी मतलब पहले न्यूमेरिकल कंट्रोल वाली मशीन थी। न्यूमेरिकल कंट्रोल में खाली नंबर और नंबर के माध्यम से मशीन को कंट्रोल किया जाता था। तो एनसी के बाद जो आया वो सीएनसी है। तो सीएनसी मशीन का जो उगम हुआ है वो एनसी मशीन से हुआ है। एनसी मशीन का जो लॉन्ग फॉर्म था वो था न्यूमेरिकल कंट्रोल और सीएनसी का है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद जो है कि मशीन कंट्रोल यूनिट क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो सीएनसी मशीन का जो हिंदी में नाम होता है, हिंदी में जो नाम लिया जाता है सीएनसी मशीन को, उसको कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण मशीन बोला जाता है हिंदी में अगर इसको देखा जाए। तो सीएनसी मशीन में जॉब की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल पैनल में ऑफसेट भी लेना पड़ता है। तो किसी भी सीएनसी मशीन के कंट्रोल पैनल में 3 तरह के ऑफसेट लिए जाते हैं। एक है वेयर ऑफसेट, फिर है ज्योमेट्री ऑफसेट और फिर है वर्कशीट ऑफसेट। तो ये 3 ऑफसेट सीएनसी मशीन में लिए जाते हैं। तो 3 ऑफसेट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है वेयर ऑफसेट, दूसरा है ज्योमेट्री ऑफसेट और तीसरा है वर्कशीट ऑफसेट, ठीक है। इसके बाद सीएनसी मशीन में संचालन के कुछ 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ड्रिलिंग, दूसरा होता है मिलिंग और तीसरा होता है टर्निंग। अब 2023 में तो ग्राइंडिंग और भी कई प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये पुराना था, अभी हर टाइप के जो ऑपरेशन है सीएनसी मशीन पे किए जा सकते हैं। सीएनसी मशीन में माइक्रोन निकाय में शुद्धता में भी काम किया जाता है। तो सीएनसी मशीन में जो वर्क होता है वो माइक्रोन के हिसाब से कम माइक्रोन के हिसाब से वर्क किया जाता है। एक्यूरेसी के हिसाब से वर्क सीएनसी मशीन पे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है सीएनसी मशीन क्या है, तो सीएनसी मशीन क्या है इसके बारे में हमने अभी देखा है। तो अभी इसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो सीएनसी मशीन क्या है, सबसे पहले लेथ मशीन पर ही काम किया जाता था। तो सीएनसी मशीन में जो पहले थी तो लेथ मशीन ही थी। तो सीएनसी मशीन में सबसे पहले लेथ मशीन पर काम किया जाता है, इसे ही हम एक एडवांस मशीन मानते थे। इसके बाद लेथ मशीन को एडवांस करके 1940 में एनसी मशीन नाम से आविष्कार किया गया। फिर टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो गई। तो जॉन पार्सन ने 1965 के आसपास की सीएनसी मशीन को खोज कर डाली, ठीक है। तो 1965 के आसपास किसने की सीएनसी मशीन की खोज की, तो वो की है जॉन पार्सन्स ने। इसके बाद जो सीएनसी मशीन को कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के नाम से जाना जाता है, इसे कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर में जॉब के अनुसार प्रोग्राम बनाकर डाला जाता है और प्रोग्राम के अनुसार ही सीएनसी मशीन जॉब को फाइनल रूप देता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जो एम कोड और जी कोड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि एम कोड और जी कोड के ऊपर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं एम कोड और जी कोड। तो आसान है, ज़्यादा हार्ड कोड नहीं है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे इसके बाद की वीडियो में। पहले हम सीएनसी मशीन जानेंगे, इस वीडियो में सीएनसी मशीन पर फोकस करेंगे, अगला वीडियो हम वीएमसी मशीन पर देखेंगे, फिर सीएमसी मशीन और वीएमसी मशीन में अंतर क्या है वो देखेंगे, फिर डीएनसी मशीन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। फिर जी कोड और एम कोड के बारे में जानेंगे। तो लेथ मशीन और एनसी मशीन के मुकाबले सीएनसी मशीन अधिक शुद्धता वाला प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम की भी बचत इससे होती है। अधिक शुद्धता और अधिक क्षमता वाली मशीनें सीएनसी मशीन में अपनी
जगह बना लिया। ठीक है, एनसी मशीन का पूरा नाम न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, जो कि हमने पहले जाना है। एनसी मशीन का प्रयोग क्रम प्रोडक्शन के लिए करते हैं, जबकि सीएनसी मशीन का प्रयोग जो है मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तो सीएनसी मशीन का प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसके बाद जो है सीएनसी मशीन कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की सीएनसी मशीन होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीएनसी मशीन के टाइप कितने होते हैं ये भी जानना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सीएनसी मशीन के जो प्रकार है मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, उसमें से हम पांच प्रकार अभी देखेंगे। तो पहले नंबर में सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन होती है। दूसरे सीएनसी मिलिंग मशीन है, फिर है सीएनसी प्लाजा कटिंग मशीन, फिर है सीएनसी लेजर कटिंग मशीन, और फिर है सीएनसी रोटर मशीन। तो ऐसे अभी यहाँ पे पांच मशीन हमने दिए है, इसके अलावा भी और बहुत सारी सीएनसी मशीन होती है। ठीक है, तो सीएनसी मशीन के प्रकार अभी देखें, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पहला है सीएनसी लेथ मशीन, दूसरा है सीएनसी मिलिंग मशीन, तीसरा है सीएनसी प्लाजा कटिंग मशीन, चौथा है सीएनसी लेजर कटिंग मशीन, और पांचवा है सीएनसी रोटर मशीन। तो सीएनसी मशीन में एक्सिस की बात करें तो इसमें मुख्यतः तीन एक्सिस होते हैं। पहला एक्स एक्सिस, दूसरा होता है जेड वाई एक्सिस, और तीसरा होता है जेड एक्सिस। तो इसको एक्स वाई जेड द्वारा कई नाम से भी दिया जा सकता है, तो दूसरे नाम भी इसको हो सकते हैं। अभी एक्स फिलहाल तो एक्स वाई जेड ज़्यादा दिया जाता है, इसमें यू वी डब्ल्यू भी हो सकता है, नाम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसमें तीन एक्सिस वाली मशीन है। अभी जो और कुछ कुछ मशीनें जो होती है पाँच एक्सिस वाली भी होती है, तो इसमें जो एक्सिस की संख्या होती है वो तीन से पाँच नॉर्मल संख्या होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर बात करें कंट्रोल पैनल की, तो अधिकतम सीएनसी मशीन में फानुक, सीमेंस, और मजाक और हास को कंट्रोल मैनेज किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में जो कंट्रोल यूज किए जाते हैं वो फानुक कंट्रोल यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सीएनसी मशीन में कंट्रोल है फानुक कंट्रोल, सीमेंस कंट्रोल, मजाक कंट्रोल और हास कंट्रोल। तो हमारे यहाँ जो यूज किया जाता है वो फानुक कंट्रोल यूज किया जाता है। इसके बाद जो है सीएनसी मशीन का उपयोग, तो सीएनसी मशीन का उपयोग क्या होता है, तो सीएनसी मशीन का जो उपयोग होता है औद्योगिक क्षेत्र में तथा सीएनसी मशीन का उपयोग लगभग सभी प्रकार के क्षेत्र में भी किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, लकड़ी और कॉपर की कई अन्य सामग्री से बने चीज़ों को बनाने के लिए भी सीएनसी मशीन का उपयोग किया जाता है। और सबसे मेन बात जो है कि सीएनसी मशीन का प्रयोग जो किया जाता है वो मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, सीएनसी मशीन मास प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, और सीएनसी मशीन का जो कार्य होता है एकदम एक्यूरेसी में होता है, माइक्रोन में कार्य होता है। तो सीएनसी मशीन की कीमत लगभग क्या होती है, तो सीएनसी मशीन की कीमत जो लगभग होती है 3.5 लाख से शुरू होती है, और 50 लाख यार उससे ऊपर भी ये हो सकती है। ठीक है, तो यह है सीएनसी मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर सीएनसी मशीन को हिंदी में क्या कहते हैं, हमने देखा है कि कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रक मशीन इसको कहते हैं। फिर सीएनसी मशीन का उपयोग क्या है, तो सीएनसी मशीन का उपयोग अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाता है, मतलब मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। सीएनसी मशीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सीएनसी मशीन का उपयोग अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाता है, इसकी शुद्धता भी अधिक होती है, इसलिए इसका जो उपयोग किया जाता है जहाँ पे मास प्रोडक्शन का काम होता है कंपनी में इसका उपयोग ज़्यादा तौर पे किया जाता है। फिर सीएनसी मशीन क्या है, तो सीएनसी मशीन क्या है हमने देखा है, तो सबसे पहले लेथ मशीन पर ही काम किया जाता था, इसे कि हम एडवांस मशीन मानते थे। इसके बाद जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के बाद जो सीएनसी मशीन का आविष्कार हुआ 1965 के दशक में, इसको जॉन पार्सन ने किया था। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने देख लिए। अभी निष्कर्ष से जो निकलता है कि आज हमने जाना कि सीएनसी मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म सीएनसी मशीन, तो कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, कितने प्रकार के मशीन होती है, तो पांच प्रकार की मशीन हमने जाना है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मशीन का पूरा नाम क्या है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हमने देखी है। तो अभी बाद में हम देखेंगे अगले वीडियो में वीएमसी मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन, कि और वीएमसी मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने के बाद सीएनसी मशीन और वीएमसी मशीन में फ़र्क क्या है देखेंगे। इसके बाद देखेंगे डीएनसी मशीन और डीएनसी मशीन और सीएनसी मशीन और वीएमसी मशीन में क्या फ़र्क है ये जानेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका एम कोड और जी कोड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल अगर हेलो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। yeah!